अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दिल नदान के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि गुज़नफ़र दुरानियाब के बारे में एक बार फिर तानिया को कहता है कि अच्छा हुआ कि वो इस घर से चलेगी। अब बस तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जावियार के साथ गुजारो। जावियार तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसे अब तुम्हारी ज़रूरत है। ये ना हो कि वो दोबारा दुरानियाब से मिले और सारी गलतफहमी दूर हो जाए। बस इस बात पर मजबूर करो दुरानियाब को, वो डिवोर्स दे दे। ताकि तानिया कहती है कि अंकल आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ ना, जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जावियार कभी भी दुरानियाब को इस घर में वापस नहीं लेकर आएगा और दुरानियाब से कभी भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। गुज़नफ़र कहता है कि अगर तुम ना होती तो शायद ऐसा काम कभी ना होता। उस मिडिल क्लास लड़की के साथ हमें सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना पड़ता। अब जावियार कोई अच्छा फ़ैसला करे, जावियार उसे डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। ये बात सुनकर तानिया कहती है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तक हम कामयाब हुए हैं तो आगे भी कामयाब हो जाएंगे। गुज़नफ़र कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जावियार इस ज़हनी टेंशन से निकले। जावियार के साथ कभी भी मैं कुछ बुरा नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए तुम्हारे होते हुए। अब जावियार कैसे परेशान रह सकता है। तानिया कहती है कि आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। बस आपको बता रही हूँ ना दुरानियाब अब इस नहीं आएगी, इस घर में कभी भी वापस नहीं आएगी। दुरानियाब अब जावियार से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि निगार बेगम जावियार के कमरे में आती है। जावियार को कहती है कि बेटा अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जिस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें अब उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। तुम्हें अब उससे रिश्ता उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहिए। यह बात सुनकर एक बार फिर जावियार कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है। जावियार एक बार फिर दुरानियाब से मिलना चाहता है। ये बात सुनकर निगार कहती है कि इस घटिया लड़की से क्यों मिलना चाहते हो, जिसे तुम्हारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो इतना बड़ा कारनामा कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि अब इसके साथ तुम्हारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक हो। तुम कल ही डिवोर्स पेपर उसे भेज दो। जावियार कहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों की यही खुशी है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। निगार एक बार फिर जावियार को कह देती है कि तुम इस बारे में अपनी दादों से किसी किस्म की कोई बात नहीं करोगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो नियाब को लेकर बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। बस तुम मेरी बात मान लो। ये बात सुनकर एक बार फिर जावियार कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अभी फैसला कर चुका हूँ, मैं अब दुरानियाब के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जिसे मेरी इज्जत का ख्याल है, उस लड़की को अब शायद इस घर में भी रहने का कोई हक नहीं। मैं नहीं चाहता कि अब उसके बारे में किसी किस्म की कोई भी बात हो। निगार कहती है कि बेटा अब तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब हमारा उन लोगों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जावियार कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।